जलदायु विभाग द्वारा जयपुर शहर में पौराणिक धार्मिक और पर्यटन के दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व रखने वाले मावठे को बिसलपुर परियोजना से पानी उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। कैसा होगा ये इस रिपोर्ट में देखिए। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के निर्देश पर विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा ने अधिकारियों से आमेर के मावठे में पानी भरने के साथ ही क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्य योजना का प्रारूप इस प्रकार तैयार हो जिससे कि आमेर शहर में पेयजल की कोई समस्या ना हो और मावठे को भी पानी उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे में अब आमेर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध लोगों से चर्चा कर उनके विचार जानते हुए इसकी कार्य योजना तैयार की जाएगी। वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर ब्रह्मपुरी पंपिंग स्टेशन से 250 mm व्यास की पाइपलाइन डालकर मावठे को भरना शुरू किया गया था, लेकिन इसके बाद वर्ष 2015-16 में आमेर में पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए इस पाइपलाइन से बद्रीनाथ और नवलखा पंप हाउस को जोड़कर आमेर शहर में पेयजल व्यवस्था का संवर्धन किया गया और मावठे को भरना रोक दिया गया था। अतिरिक्त मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी ने बताया कि आमेर शहर के लिए 24.72 करोड़ रुपए की पुनर्गठन योजना का कार्य प्रगति पर है, जो कि अप्रैल 2020 में पूर्ण किया जाना है। इस योजना में न्यू फिल्टर प्लांट, मानबाग से राइजिंग मेन से पानी रैगर मोहल्ला और पीली की तलाई को दिया जाएगा। विशेषज्ञों की माने तो न्यू फिल्टर प्लांट पंपिंग स्टेशन से डाली जा रही 500 mm की मुख्य पाइपलाइन को वर्तमान में मौजूद बिलोनिया की ढाणी से नवलखा पंप हाउस तक पानी सीमेंट पाइपलाइन से मिलान करते हुए नवलखा पंप हाउस पर 1.5 से 2.0 MLD पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की थी पहल। मुख्यमंत्री गहलोत ने 2011 में की थी मावठे को भरने की पहल। ब्रह्मपुरी पंपिंग स्टेशन से डाली गई थी पाइपलाइन। पाइपलाइन के जरिए शुरू किया गया था मावठे को भरना, लेकिन वर्ष 2015-16 में आमेर में आई थी गंभीर पेयजल समस्या, जिसके बाद रोक दिया गया था मावठे को भरना। पुरानी सीमेंट पाइपलाइन की पहले टेस्टिंग की जाएगी और अगर लाइन सफल होती है तो इसका मिलान नई पाइपलाइन से करके आमेर को 1.5 से 2 MLD पानी उपलब्ध कराया जा सकता है और ये कार्य एक महीने में पूरा किया जा सकता है। टेस्टिंग में यदि पुरानी पाइपलाइन सफल नहीं होती है तो 300 mm की नई DI पाइपलाइन डालकर नवलखा पंप हाउस को मानबाग पंपिंग स्टेशन से बीसलपुर का पानी दिया जा सकता है। वहीं मानबाग से आमेर को बीसलपुर का पानी मिलने के बाद 1.5 से 2.0 MLD पानी मावठे के लिए छोड़कर 3 महीने में मावठे को पूरा भरा जा सकता है। दरअसल मॉनसून के दौरान जयपुर में भारी बारिश होने के बावजूद आमेर के मावठे में बहुत कम पानी आया है और अभी लगभग सूखा पड़ा है। ऐसे में अब बीसलपुर बांध लबालब होने के कारण वहाँ के पानी का उपयोग आमेर के मावठे को भरने में किए जाने पर विचार किया जा रहा है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।